हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके प्रमोशन के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको प्रमोशन मिला था, अब प्रमोशन के बाद आपको आगे क्या करना है, प्रमोशन के बाद स्टूडेंट आगे क्या करें, आगे का क्या प्रोसेस होगा, इन सभी टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 अक्टूबर को इग्नू की तरफ से आपके लिए एक नोटिस जारी किया गया था, जिस नोटिस में आपको ये बताया गया था कि ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जुलाई 2020 में किसी भी बैचलर या किसी भी मास्टर डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, तो आपको प्रमोशन ऑफर किया जाता है। अब दोस्तों, सवाल ये है कि आपको प्रमोशन तो मिल गया है, पर प्रमोशन के मार्क्स कैसे मिलेंगे? क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट्स का कमेंट आता रहता है कि हमारे जो मार्क्स हैं वो कब आएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं कि आपको प्रमोशन मिल गया है और आपके जो मार्क्स हैं, आपके मार्क्स जो है वो सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम जब होंगे आपके, तो उसी एग्ज़ाम के एवरेज मार्क्स के हिसाब से आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स दिए जाएंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि आपके जो मार्क्स हैं वो आपके सेकेंड ईयर के बेस पर दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आपको प्रमोशन मिला है और आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आप जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके असाइनमेंट की जो लास्ट डेट है वो 30 नवंबर है, जिसे अभी एक्सटेंड कर दिया जाएगा 15 दिसंबर तक। इसलिए आप अगर आपने अपने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो आप अपने असाइनमेंट सबमिट कर दें। इसके बाद दोस्तों, अगर आपने नेक्स्ट ईयर में, यानी अगर आपने फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप जल्द से जल्द री रजिस्ट्रेशन करवा लें। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जनवरी 2022 सेशन के लिए आपके जो री रजिस्ट्रेशन है उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। अभी बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्हें यही नहीं पता है कि री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट भी हो चुके हैं। इसलिए आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, तो आप जल्द से जल्द अपना री रजिस्ट्रेशन करवा लें। इसके बाद आपको प्रमोशन के बाद क्या करना है? तो प्रमोशन के बाद आपको अपना सारा ध्यान अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम पर देना है, क्योंकि आपको जो मार्क्स हैं फर्स्ट ईयर के वो सेकेंड ईयर के बेस पर ही दिए जाएंगे। इसलिए आप अभी से अपने सेकेंड ईयर के एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दें। अगर आपने पहले से ही री रजिस्ट्रेशन करवा लिया है, तो आपके एग्जाम जून 2022 में होंगे और आपके जो असाइनमेंट है सेकेंड ईयर के वो मार्च अप्रैल 2022 में सबमिट होंगे। इसलिए आप अपने सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आप इसके लिए लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप हेल्प बुक भी परचेस कर सकते हैं, जिसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, जिसमें आपको बताया गया है कि आप किन बुक से पढ़ सकते हैं अगर आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ऐसे आप इग्नू में अपने प्रमोशन के बाद आगे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे आप प्रमोशन के बाद आगे क्या करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।